अब ये कांग्रेस के पास भी तो जवाब नहीं है इस बात का कि अग्निपथ योजना जब लाई गई, अग्निवीर योजना जब लाई गई, तो अभी भी युवाओं ने कितनी दिलचस्पी दिखाई, कितने युवा इसमें शामिल हुए हैं, तो यहाँ पर आप उन युवाओं के बारे में क्या कहेंगे जो दिलचस्पी ले रहे हैं? बहरहाल ये यक्ष प्रश्न है फिलहाल। बढ़ेंगे आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया, कहा औरंगजेब के जजिया टैक्स को दोबारा लागू करना चाहती है। तो दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी है, दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश के अशोक नगर पहुंचे। यहां सीएम योगी गुना सीट से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आयोजित चुनावी सभा में शामिल हुए। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कई मुद्दों पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस के विरासत टैक्स को लेकर कहा कि ये पार्टी औरंगजेब की तरह ही आप जजिया कर लगाना चाहती है। देखिए बहुत बड़ी बात कहते नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और बड़ी बात में ये भी कि कहीं ना कहीं सीधे सीधे कटाक्ष किया गया है कि औरंगजेब जिस तरीके से उस वक्त सरकार जो बना हुआ था और किस तरीके से आम जनता को परेशान करता था, जजिया कर उसका कर होता है जो आप अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान लगाया जाता था, कांग्रेस भी अब उसी राह पर चल पड़ी है, ये जजिया कर लगाना चाहती है। देखिए ये खबर है और आप देख सकते हैं औरंगजेब के जजिया कर को लागू करना चाहती है कांग्रेस, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। आपको सैम पटौदा का वो बयान याद होगा जिसमें वो विरासत टैक्स का जिक्र करते हैं, खासकर अमेरिका से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि भारत में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी देखिए हमलावर नजर आ रहे हैं, और पहले भी देखिए आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाली कांग्रेस आज पथ भ्रष्ट हो चुकी है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि रामकृष्ण की धरती पर नहीं चलेगा वोट जिहाद। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी ने जिस तरह से वोट जिहाद की अपील की थी, ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। फरुखाबाद के कमालगंज में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि रामकृष्ण की धरती है, यहाँ पर वोट जिहाद नहीं चल सकता है, ये कहा गया था सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। अब देखिए यहाँ पर भी एक जिस तरह हम अलग अलग मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं जिनमें राम मंदिर का मुद्दा है, जिसमें तमाम मुद्दे आते हैं, ऐसे में वोट जिहाद एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, और सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि ये रामकृष्ण की धरती है, यहाँ वोट जिहाद नहीं चलेगा। देखिए आपको याद होगा सलमान खुर्शीद जो कि पूर्व विदेश मंत्री रहे, उनकी भतीजी ने जिस तरह से वोट अपील के साथ साथ कहा जा सकता है वोट जिहाद की अपील की थी, इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो हमलावर नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने कहा कि आप तुष्टिकरण की नीति कर रहे हैं, आप ध्रुवीकरण की नीति के हैं, लव जिहाद तो सुना था, ये वोट जिहाद क्या है, वोट जिहाद के बारे में जरा आप बताइए। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी कुछ कहती नजर आई थी, हालांकि अखिलेश यादव ने थोड़ी बहुत सफाई जरूर इस मामले पे दी थी, लेकिन स्पष्ट तौर पर कोई कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन यहाँ पर फिर हम एक बार कह सकते हैं कि बैठे बिठाए जो मुद्दा है वो बीजेपी को वापस मिल गया। यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया कि आप यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, बरगलाने की कोशिश आप वर्गों को कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किस तरीके से यही बात को उठाया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि कांग्रेस आ जाती है तो किस तरीके से जजिया लग जाएगा। जजिया यदि आपको याद होगा तो जब धार्मिक यात्राएं करती की जाती थी औरंगजेब के वक्त में, उस वक्त जजिया कर को लगाया जाता था। हालांकि अब आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो फायर ब्रांड नेता हैं, उनकी बेबाक छवि है, सनातन को हमेशा से प्रमोट करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ और मैं इसी बात को प्रमोट करता रहूँगा। तो फिलहाल ये कहीं ना